हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमला हैप्पी गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज मैं बताऊंगी आपको कि बोगनवेलिया पर बहुत ज़्यादा फूल लेने के लिए क्या करें। देखो, ये मेरा एक बोगनवेलिया का वाइन थी जो फूल दे चुकी थी। मैंने इसकी कटिंग करके इसमें इसको लगा दिया। मैंने सोचा कि अब इसका फ्लावरिंग सीजन ऑफ हो चुका है, तो मैंने इसको कटिंग करके यहाँ पर इसको लगा दिया। और देखो दोस्तों, ये मेरा दूसरा वाइट कलर की बोगनवेलिया का एक पौधा था। ये दो बार फ्लावरिंग कर चुका है और अब मैं इसकी कटिंग करने वाली थी, लेकिन मैं किन्हीं कारणों से लेट हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये थर्ड टाइम भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग करेगा। ये देखो, ये 7-8 इंच के गमले में लगा हुआ है जो मेरे पास 1.5-2 साल से है, और ये ज्यादा बड़ा वाइन भी नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग इसके बहुत बड़े बड़े फूल आते हैं। इसको बोल रहा था नर्सरी वाला कि ये कलकत्ता की वैरायटी है और ये बहुत ही फ्लावरिंग भी करती है। देखो दोस्तों, ये मेरा 2 साल का बोगनवेलिया का पौधा है जो मैंने एक छज्जे पर रखा हुआ है। मेरा जो गमला था वो छोटा पड़ गया था और मैंने इसको एक छोटे से कट्टे में या बैग बोल लीजिए, उसमें मैंने इसको लगा दिया था। और इसमें अभी देखो, इसकी जो मिट्टी है वो ड्राई भी हो चुकी है। इसको मैं 3rd दिन ही पानी दे पाती हूँ और इसमें फ्लावरिंग, ये 3rd टाइम इतनी फ्लावरिंग हुई है। तो आप देख रहे हो दोस्तों कि इतनी जो फ्लावरिंग है वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे फूल प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, क्या ट्रिक अपनाएं कि हमें बहुत सारे फूल मिले। तो दोस्तों, सबसे जो आवश्यक है कि हम बोगनवेलिया के पानी, बोगनवेलिया के पौधे में, तो दोस्तों बोगनवेलिया के पौधे वाइन से हम बहुत सारे फूल कैसे प्राप्त करें, वो कौन सी टेक्निक है जिसको हम अपनाएं और बहुत ही मात्रा में, बहुत ही इन खूबसूरत पौधों में बहुत सारे फूल प्राप्त करें। देखो दोस्तों, ये मेरी 2 फुट की वाइन है जो कि एक पॉली बैग में, ग्रोइंग बैग में छज्जे पर लगी हुई है और ये इतनी फ्लावरिंग करती है कि पूछो मत। तो इसके लिए दोस्तों सबसे जरूरी है कि हम इसके पौधे को ज़्यादा स्पेस ना दें। अगर हम इसको ज़्यादा स्पेस देंगे तो ये पत्ते इसके ज़्यादा ग्रो होंगे और ये फूल कम देगा और ये बढ़ती ही चली जाएगी। इसका जो पौधा है उसको हम रूट बाउंड ही रखें, ज़्यादा ज़्यादा स्पेस हम इसको ना दें। दूसरा कारण है, इसको हम कम पानी दें, बहुत ज़्यादा पानी भी हमें इस पौधे में नहीं देना चाहिए। तीसरा जो मेथड है वो है कि हम इसमें गोबर की खाद दें और इसमें DAP NP का के 8-10 दाने मैं इसमें अवश्य डालती हूँ ताकि मेरे जो फूल हैं वो आते रहें। तो इसमें मैं NPK या फिर DAP
जो मेरे पास उपलब्ध होता है मैं उसमें अवश्य मिला लेती हूँ। और जब भी इसका फ्लावरिंग सीजन ऑफ हो जाता है उसके बाद मैं इसके पौधे में ये गोबर की खाद अवश्य देती हूँ। और ये एक बहुत हार्डी प्लांट पौधा बेल होती है, इसकी ज़्यादा केयर की हमें आवश्यकता नहीं होती। और इसके फूल भी काफ़ी दिन तक टिके रहते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर अपनी बोगनवेलिया में बहुत सारे फूल प्राप्त करना चाहते हो तो आप इसकी जो जड़ें हैं उसको स्पेस कम दें, पानी ज़्यादा ना दें, और इसमें महीना या 20 दिन में आप गोबर की सड़ी गली खाद और उसमें DAP के 8-10 दाने अवश्य दे दें, जिससे कि आपका पौधा हेल्दी रहेगा और इसमें बहुत ही मात्रा में फूल आपको मिलते रहेंगे और फूलों का साइज भी बड़ा होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।